दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार तो एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप ये जो प्लांट आपने देखा होगा इसे कहते हैं ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट, और जो फ्लावरिंग के बाद इसके फ्लावरिंग एंड हो गए हैं। तो आप नॉर्मल सी बात है, जब फ्लावर एंड हो जाते हैं तो हम उन फ्लावरों को ऐसे ही तोड़ते हैं। तो इस प्लांट की आप कटिंग कैसे लगाएंगे वही आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो कटिंग जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन के अंदर इसकी कटिंग हो जाती है। मेरे तो 18 दिन में भी ग्रो हो गए हैं। तो वो कटिंग कैसे रहेगी, कटिंग कहाँ से लेना है वही वीडियो में आज बताऊँगा मैं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर फूल पौधों और उनसे जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहती है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं इस प्लांट के बारे में बता देता हूँ। ये एक वाइन है, मतलब बेल का बेल वाला प्लांट है, और ब्लीडिंग हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो अभी फ्लावर में आप देख रहे होंगे इसमें से अंदर से एक दिल तरीके का लाल कलर का फूल ही रहता है। बाहर वाला सफ़ेद रहता है और अंदर वाला लाल रहता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट। तो इस प्लांट की कटिंग कैसे लेनी है और उसको कैसे में लगाना है वही मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पेशेंट बनाए रखिए, मगर जो जानकारी आपको मिलेगी वो एकदम 100% आपके वर्केबल होगी, और मैं जिस मेथड पे काम करता हूँ वही मेथड मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा ब्लीडिंग हार्ट प्लांट की कटिंग, जिसे मैंने लगाई थी 26 जून को। तो 26 जून और आज है 14, तो तकरीबन 18 दिन हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसके जो ये प्लास्टिक का बोतल काट के लगाया हुआ है मैंने, उस बोतल में लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी कटिंग ग्रो हुई है या नहीं वो आप बाहर से ही देखकर पता कर सकते हो। तो आपको दिख रहे होंगे इसमें जड़ें शूट्स वगैरह रूट वगैरह आ चुकी है, और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं नए नए इसके शूट निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग आपने कहाँ से लेनी है और किस उस पर लगाना है वही आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू और अपना प्यार बनाए रखिए। तो देखिए दोस्तों, हमें कटिंग लेने के लिए सबसे पहले चाहिए इस टाइप की बोतल की कटिंग हो, जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल जो यूजलेस ही रहती है ज़्यादातर, और इस टाइप के बोतल रखिए ताकि आपका आप जब आपके प्लांट की ग्रोथ आ जाती है तो आपको पता चल जाता है बाहर से। कई बार क्या होता है, वैसे उसमें लगा देते हैं जिसमें हमें बाहर से पता नहीं चल पाता, फिर चेक करने के लिए देखना पड़ता है या काफ़ी लंबे समय तक हमें रुकना पड़ता है। तो इस टाइप की बोतलों में क्या रहता है, आप बाहर से ही उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, मगर जब भी इस टाइप की बोतलों में ये आप लगाते हैं तो याद रखें कि नीचे छोटे छोटे छेद बना लीजिए इनके, ताकि जो आपका बरसात का सीज़न है तो बारिश होती है, अगर आपके प्लांट में पानी गिरता भी है तो वो तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। इस प्लांट को आपने जो हम लगाएंगे वो रहेगा पूरा रेत में लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये मैंने ऑलरेडी रेत में लगाया हुआ है। इसके लिए जो हमें सामान ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगा एक प्लास्टिक की इस टाइप की बोतल का कटिंग हो, जो आपका तकरीबन 3-3.5 इंच का कटिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे इस टाइप से रेत होनी चाहिए। ये रिपोर्टिंग के जो सामान है वो रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि जो प्लांट मेरे ग्रो हो गए उनकी रिपोर्टिंग करनी है। और इस टाइप का आपके पास जो होना चाहिए वो है एलोवेरा का जेल होनी चाहिए, उसके लिए आपको एलोवेरा के पत्ता होना चाहिए। तो हम लगाएंगे इसको पूरे रेत में, और तो उसको लेने के लिए आपने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें प्लांट की कटिंग करनी पड़ेगी, और कटिंग कहाँ से लेनी है वो कटिंग मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो बोतल की जो आपने कट लिए हैं उसमें आप छोटे छोटे छेद बना लीजिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए आपके छेद, केवल आपको पानी निकालना है, आपका मटेरियल नहीं बहना चाहिए। इस टाइप के आप छोटे छोटे
छेद बना लीजिए इसमें, ताकि आपका बरसात का पानी क्या होता है हमारी कटिंगों को खराब करता है, ज़्यादा रुकने पर सड़ाता है। इससे पहले आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो देख ली होगी सकुलेंट की, जिसमें आपने देखा होगा कि मेरे 40-50 प्लांट खराब हुए। तो मैं कमर्शियल बेस पे करता हूँ गार्डनिंग, तो मैं 40-50 प्लांट को ख़राब होने पे सहन कर सकता हूँ, मगर आप लोग शायद ना कर पाएँ। तो इस तरीके से आप इस टाइप से छेद बना लीजिए इसमें, क्योंकि गार्डनिंग एक पैशन का काम है, और अगर आपके पास पैशन है तभी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैशन नहीं है तो गार्डनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर छेद बड़े हो गए तो इस प्लास्टिक को पूरा बाहर ना निकाले, उसे रख दीजिए ताकि पानी निकल जाए। और आपका ये देखिए, इस तरीके से छेद बना दिए हैं हमने। अब जो हम अगला काम करेंगे वो रहेगा हमारा इसमें रेत भरने का। तो रेत को ये रेत को भर आप एक बार गीला जरूर कर लीजिए, और इस तरीके से रेत को दबा दबा के भर दीजिए, और एक बार बिठा दीजिए अच्छी तरह से। तो ये हमारी रेत यहाँ पे बैठ चुकी है, और अब जो कटिंग लेंगे, अगर इसमें जो फूल वगैरह, अगर आपको अभी ज़रूरत नहीं है हमें फूल वगैरह की, तो हम इसको निकाल देते हैं, और उसके बाद लेंगे एलोवेरा का जेल, और इसे अच्छी तरह से आपने डीप करना है। तो कोशिश करिए डीप करना है, और इस तरीके से डीप हो जाए, और कम से कम ये आपका 1 से 1.5 इंच ये आपका जमीन ये रेत के अंदर होना चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से आप लगा देंगे, और दूसरा कटिंग भी लगा के एक बार और आपको बता देता हूँ ढंग से। तो कुछ पत्ते हम निकाल देते हैं, पत्ते थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो पत्ते निकाल देते हैं, और बाद में भी निकाल सकते हैं, मगर इस तरीके से आप बड़े पत्तों को निकाल दीजिए, खासकर क्योंकि वेट आ जाता है प्लांट में, और रेत आपका उतना मजबूत नहीं रहता। और इसको आप इस तरीके से डीप कर लीजिए, और ये देखिए जेल पूरा लग चुका है। तो और इसे आप अपने हिसाब से उस तरीके से लगाइए कि प्लांट आपका ना हिले, और जितना हो सकता है आपको ये देखिए इस तरीके से बिठा के आप पानी दे दीजिए। मैं अभी पानी दूंगा, उससे पहले आपको जो प्लांट हमारे ग्रो हो चुके हैं उसकी हम रिपोर्टिंग बता देते हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए मेरे पास मिट्टी वगैरह नहीं थी, गमले में भर के रखा हुआ है मिट्टी वगैरह। तो गमले के होल पासेज होने चाहिए, इस तरीके के पत्ते वगैरह जो आपके जो प्लांट वगैरह के पत्ते वगैरह है वो डाल दीजिए इसमें। अब ये पत्ते डालेंगे तो दो चीज़ हो जाएगी, यही पत्ता जब एक टाइम पे ये डिजॉल्व हो जाएगा तो आपको कंपोस्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर आप 40% जो रहेगा वो हमारा गार्डन सोइल रहेगी, और 30% जो हम देंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, मगर जो भी कंपोस्ट आप देंगे वो रहेगी फुल्ली डी कंपोस्ट, और साथ में हम देंगे 20% का रेशो जो रहेगा वो रेत का रहेगा। और इसको एक अच्छी तरह से मिक्सर बना लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको, और उसके बाद इसकी कर लीजिए फिलिंग। तो आपके क्या रहेंगे, आपने इसको नेचुरल खाद भी दे दिया है, और ऊपर नीचे जो हमने पत्ते वगैरह दिए हैं वो उसकी खाद भी आपको एक टाइम पर 1 महीने के अंदर वो पत्ते अंदर सड़ जाएंगे और डिजोल्व होके आपके प्लांट को एक नेचुरल खाद भी दे देगा। और इस तरीके से आप अपने गमलों की फिलिंग कर लीजिए, और पूरा गमला ना भरें क्योंकि हमने प्लांट को भी लगाना है, और प्लांट को फर्स्ट टाइम ग्रो किया है तो देखते हैं इसकी रूट कितनी आई है। और रेत का फ़ायदा ये रहता है, आप इसको लूज कर सकते हैं आराम से, जबकि यही प्रॉब्लम आप मिट्टी में नहीं कर सकते थे। ये देखिए, इस तरीके से केवल आपका 16-18 दिन हुए हैं प्लांट को,
और 18 दिन में भी आप इसकी ग्रोथ को ले सकते हैं। और अब जो मेन काम रहेगा इस टाइम रिपोर्टिंग करते हुए, वो चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है ना, प्लांट ग्रो भी कर लेंगे मगर रिपोर्टिंग के टाइम में गड़बड़ करेंगे और जिसकी वजह से प्लांट मर जाएगा। और तो जब आपने इतनी मेहनत की है तो इसके जो शूट्स जो जड़ निकले हैं उसको अच्छी तरह से रखिए जमीन के साथ में और हल्का सा मिट्टी डालिए। ये देखे तो, और थोड़ा सा खाद थोड़ा ज्यादा कर देते हैं और इसको यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बिठा दीजिए एक बार। हाथ से आपने दबाना नहीं है, हाथ से दबाएंगे तो जो अभी हमारी इसकी जो शूट्स रूट्स है वो अभी नाजुक है और जब तक वो अपने आप ही ग्रोथ चालू नहीं करता तब तक हमने उसको जबरदस्ती उसके साथ में नहीं करनी है, नहीं तो आपकी रूट्स टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और दबने से रूट दब जाएगा और आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और इसे पानी दे दीजिए, पानी देने के बाद हमारा काम रहेगा। इसे हमने तकरीबन 7 दिन सेमी सेड एरिया में रखना है और 7 दिन सेमी सेड एरिया में रखने के बाद इसे आप बाहर निकाल लीजिए और आपका इस तरह का हेल्दी प्लांट आपका 6-7 महीने 8 महीने बहुत ज़्यादा लग गया तो 8 महीने 8 महीने में आपका इस टाइप का हेल्दी प्लांट रेडी हो जाएगा और जिसमें आप बेहतरीन फूल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और प्लांटों की इसमें जो ग्रोथ है वो कैसी है, निकाल लेते हैं सारे प्लांट को। तो क्योंकि जो निकाला है पहले इसमें जड़ ज़्यादा आया है लग रहा है क्योंकि ये जल्दी से आ नहीं रहा है और इसके कुछ जड़ टूटेंगे मगर कोशिश करिए। इसमें देखिए उसमें जड़ थोड़ा कम आया था और इसकी जड़ आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जड़ निकल रहा हुआ है। और इसमें देखें, इसमें भी ये देखिए। और तो दोस्तों आप पहली बार लगा रहे हैं या दूसरी बार लगा रहे हैं या तीसरी बार लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से प्लांट को लगा रहे हैं। और ये देखें, देखा है इतना बेहतर जड़। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं और ढेरों फूल पा सकते हैं और अपने गार्डन को इस तरीके का अपना 4 चांद लगाने वाला प्लांट के लगाकर अपने बेहतरीन बेहतरीन फूल ले सकते हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। पानी ज़रूर दीजिए अपने प्लांट को, पानी देना है मेरे को और मेरे को और कटिंग भी लगानी है और इसको रिपोर्ट करना है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तो हम लेंगे कटिंग और कटिंग कहाँ से लेनी है आपको वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है तो कटिंग के लिए एकदम अच्छे प्लांट है, छोटे प्लांट है मगर कटिंग जो लीजिए ये हमेशा नोट पॉइंट याद रखिए, ये नोट पॉइंट होता है और इसके नीचे से आपने लेनी है और आपका ब्लेड थोड़ा तेज होना चाहिए, मेरा ब्लेड थोड़ा सा पुराना है। और इस पत्तों को आप इस तरीके से तोड़ दीजिए, ज़्यादा ज़ोर से ना करें, छील दिया मैंने जैसे छीले नहीं, अगर आप ऊपर के जैसे इसके सूट सूखे हुए इसको काट दीजिए और ये नोट पॉइंट है तो ये नोट पॉइंट से नीचे से आप इसकी कटिंग कर लीजिए क्योंकि जो हमारा रूट आएगा वो इस जगह पर आएगा। अगर आपको नीड है पत्तों की तो आप रखिए, नहीं तो आप पत्ते छील सकते हैं मगर एक दो पत्ते रख लीजिए क्योंकि पौधे को अपना प्लांट को अपना खाना इन जब तक इसकी ग्रोथ चालू नहीं होगी तब तक ये अपना खाना जो है वो पत्तों से लेता रहेगा। और कम पत्ते रखिए, ज़्यादा पत्ते ना रखें, जितना ज़्यादा आपको कटिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ आज तो फिलहाल इतनी कटिंग ले ली है। कटिंग कौन सी किस टाइप की कटिंग आपकी होनी चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। अभी कटिंग ज़्यादा हरी कटिंग ना लीजिए, जैसे
इसकी कटिंग आप लेंगे तो चांस है कि 50% चांस रहेगा ये ग्रो होगा और 50% चांस रहेगा ये ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये 50-50 वाले चांस में नहीं चलना है। हम जो चलेंगे वो 100 कटिंग आपकी इस टाइप की हरी ना हो, मगर इस टाइप का हरा होना चाहिए। ज़्यादा पुरानी कटिंग भी नहीं होनी चाहिए और आपकी ज़्यादा नया प्लांट भी नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हमने कटिंग ले ली है।